एक चुटकी नमक की कीमत हम सब जानते हैं। हर खाने के स्वाद को बढ़ाता है ये नमक। लेकिन इस नमक के बारे में आप कितना जानते हैं? काला नमक, सेंधा नमक, सादा नमक, क्या है इस नमक की कहानी और क्या है इन डिफरेंट टाइप के नमक के यूजेस भी? तो शुरू करते हैं उस नमक के साथ जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सी सॉल्ट। सी सॉल्ट वो नमक जो कि समुंदर से हमें मिलता है। ये समुद्र का नमक है और जब इसे सुखाया जाता है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, ऐसे क्रिस्टल्स के जैसे। तो इसे पाउडर किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और इसमें मिलाया जाता है आयोडीन। क्या आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सॉल्ट में आयोडीन का होना मैंडेटरी कर दिया है सन 1950 से, क्योंकि आयोडीन की कमी से हो सकती हैं हमें बहुत सारी डिजीजेस। ये हमारे हार्मोन ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है और आयोडीन की कमी से घेंगा जैसी, गोइटर जैसी बीमारियां भी होती हैं। देश के काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जहां तक आयोडीन नहीं पहुंच पाता है, तो आयोडीन वाला नमक तो देश के हर कोने में पहुंच जाता है। और ये है सेंधा नमक, या जिसे हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, और साथ ही साथ में इसे लाहौरी नमक के नाम से भी जाना जाता है। ये है हैलाइट सोडियम क्लोराइड, यानी कि वही साधारण नमक लेकिन उसका क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होता है ये, और ये मिलता है हिमालय की गोद में खानों से। दिस सॉल्ट इज माइंड, जी हाँ, पहाड़ी नमक भी कहते हैं क्योंकि पहाड़ों से निकलता है, पहाड़ की खदानों से इसे निकाला जाता है। और कभी कभी इसका रंग सफ़ेद, कभी हल्का गुलाबी, और कभी इसमें हल्का सा जामुनी रंग आता है, तो कभी ये लाइट ब्राउन कलर का भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ मौजूद होते हैं ढेर सारे बाकी मिनरल्स भी। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी किया जाता है। इसे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, और साथ ही साथ बिकॉज इट इज़ एनरिच्ड विद द लॉट ऑफ मिनरल्स, आजकल लोग इसे यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो बहुत सारे ऐसे एडेड मिनरल्स हैं जो हमें कॉमन सॉल्ट में नहीं मिलते, वो आपको इस नमक से मिल जाएंगे। तो इस सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत उपवास में भी होता है, स्पा में भी होता है, इसके आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स जैसे कि लैंप्स बनते हैं, बुद्धा स्टैचूज बनते हैं, इसके बोल्स बनते हैं। दिस इज़ टू ब्रिंग इन पॉजिटिव एनर्जीज। तो ये सेंधा नमक बहुत काम की चीज़ है। और ये है काला नमक, जिसे इंडियन ब्लैक सॉल्ट या सुलेमानी नमक या काला नून भी कहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको इसके बारे में, काला नमक काला नहीं मिलता है, इसे पकाया जाता है और काला बनाया जाता है। Does that not sound interesting? पहाड़ी नमक जो होता है यानी कि रॉक सॉल्ट, उसको पकाया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, और उसमें मिलाए जाते हैं कुछ हर्ब्स जिनमें हरड़ जरूर डाली जाती है। अब हरड़ में होता है सल्फर और इसी के साथ साथ ढेर सारे सल्फाइड्स, इसमें आयरन, मैग्नीशियम ये भी होता है, और जब इसे बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है तो ये काला भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे हम सिरके को एज करते हैं या वाइन को एज करते हैं, वैसे ही इस नमक को भी रखा जाता है एज करने के लिए। तो पुराना होने के बाद ये काला नमक अपना असर दिखाता है। इस काला नमक का फ्लेवर बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है ना। कहते हैं कि आयुर्वेद के ज्ञाता चरक, महर्षि चरक ने भी इसका जिक्र किया है आयुर्वेद में, और इसे इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स और हिस्टीरिया को भी ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ बिकॉज ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है तो एज अ लैक्सेटिव भी काम करता है। तो थोड़ा सा भी पेट में गड़बड़ होता है ना, तो मुझे याद है बचपन में मम्मी काला नमक और अजवाइन की फांकी लगवा देती थी, बस फांकी लगाओ और पेट का सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।
आज हमने जाना कि ये तीन नमक अलग अलग क्यों हैं और क्या हैं इनके यूजेस और बेनिफिट्स। अगर आज नमक के बारे में आपको जान के अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ढेर सारी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नई नई रेसिपीज और ढेर सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूं। और ये जो बेल आइकन देख रहे हैं ना, इसे ज़रूर बजाइएगा ताकि आप तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुँचती रहें।